का बहुत बहुत स्वागत है। देखना आप जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के दौसा में बोरवेल हादसा हुआ है। खेलते समय बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा और 150 फीट गहरा यह बोरवेल बताया जा रहा है जिसमें मासूम गिरा है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चलाया जा रहा है। SDRF NDRF की टीमें अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही है और मासूम को बचाने की कवायद तेज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के दौसा में बोरवेल हादसा हुआ। एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र महज 5 साल, 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में किसी बड़ी उम्र के आदमी के लिए भी कितनी दिक्कत परेशानी हो जाती है, लेकिन यहां पर उम्र केवल 5 साल है, वहां कंडीशन क्या होगी। अब ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। SDRF NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अब ऐसे में अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी मुसीबत मुंह बाय खड़ी है। अब बताया जा रहा है कि खुदाई का जो काम है वो भी शुरू होने को है। बोरवेल में बच्चे को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, खाने पीने की सामग्री भी फिलहाल एक एक करके पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF NDRF की टीमें जुड़ी हैं। पूरा प्रशासनिक अमला अब जुट चुका है इस 5 साल के मासूम की जिंदगी बचाने में। अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि 150 फीट की गहराई है। अब ऐसे में अगर खुदाई करते हैं तो बेहद ज्यादा जल्दी करनी होगी क्योंकि 150 फीट गहरा गड्ढा बोरवेल के रूप में, उसमें कोई मासूम अगर गिर जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी होगी। हालांकि ऑक्सीजन को पहुंचाया जरूर जा रहा है लेकिन दिक्कत परेशानियां होती हैं। अब खाने पीने की सामग्री भी ऐसे पहुंचाई जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक 5 साल के बच्चे का मनोबल कितना होता है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। पेशेंस लेवल कितना होता है, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के दौसा में जो ये एक हादसा देखने को मिला, इसे एक हादसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि एक 5 साल का मासूम जिसकी उम्र महज 5 साल है।